तो हंसने ना तो है ना उसे घर तक कहीं छोड़ने गया था वो। क्यों छोड़ने गया था घर तक? क्यों छोड़ने गया था? निकल खड़ा हो जा, उससे दिमाग की नहीं मत कर। निकल नहीं। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ और आज है हमारा व्लॉग। अभी जा रहे हैं हम लोग वापस से हमारे पुराने नवे घर पे, पुराने घर से। तो नवे घर पे जैसा हम लोगों ने कल एसी सब बुक कर चुके थे, तो आज आए हैं वो एसी वाले सब फिटिंग के लिए, मतलब खड्डा करेंगे, क्योंकि हम लोग पैलमेट लगाएंगे तो वो एसी का वायर दिख के नहीं आएगा, इसलिए तो अभी से खड्डा करेंगे। तो कल पीओपी वाला के करके जाएगा, तो पीओपी वाला आज नहीं आया। आज क्यों चुनने छुट्टी करवा दी? लोग जुम्मा थी तो लोग जुम्मा की नमाज पढ़ने की थी, तो इसलिए लोग आए नहीं। बोले सेठ बोला वो जुम्मा को छुट्टी करते हैं, वो संडे को काम कर लेंगे। मैंने ठीक है संडे को, तो अभी दो दिन का सही बात है। ओके ठीक है। तो गाइस अभी जा रहे हैं, बस इसी वाला फोन आ गया, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, घर पे जाएंगे। घर पे से जाके देखते हैं घर का माहौल कैसा है, क्या है। और पर को फिर तो अंदर सुला रहे हैं बच्चे को, जाओ नीनी चल हो गया। जान मुझ कैसे करते बच्ची, आप ही चले जाएंगे तो क्या करोगे? तो नानी लेके आएगी, तो नानी को लेके आएगा। सही बोले। हेलो, अभी अलग हो रहे, अलग हो रहे, तुम अलग हो जाओगे बेटा। अभी मैंने नहीं बोली, मैंने अभी भी बोली मैं तो लोग के साथ रह लूंगी। आधे बीएचके में सही बात हो, तो आज अपने में ताकत है तो ले रहे, नहीं होती तो क्या करते। अभी जैसे देखिए ब्लॉग में मालूम पड़ जाएगा इसके उनका फाइनल हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ वो तो आगे का तुम भी बताओगे तुम्हारे ब्लॉग में, वाला घर भी अंडी ने वीडियो कॉल नहीं पसंद किए थे। मम्मी को चलने नहीं आता, अभी लोग लिफ्ट में नहीं आएगा ना, लोग सीढ़ी में आएंगे। सीढ़ी चढ़ गया तो तू मम्मी को ले लो अपने साथ। मम्मी बोलते मैं आदमी को नहीं छोड़ू, फिर उनका आदमी बोलता है मैं बेटी को नहीं छोड़ू, उनकी बेटी बोलती मैं उनके बेटे को नहीं छोड़ू। हमारी चेन है। चलो ठीक है गाइस, जाते हैं जल्दी वहाँ पर, घर का काम पटाए जितना जल्दी होगा। हम लोग को ऐसा है कि जल्दी जल्दी खत्म हो और हम लोग जल्दी जल्दी वो वाले घर में शिफ्ट हो जाए, तो इसके लिए मैं लाइन को वाली पीछे पढ़ना पड़ता है लोग के, तो ये लोग बराबर काम करते हैं। हाँ तो ही फटफट करते, देखो आज गए नहीं हम लोग, तो आज आए भी नहीं, तो नहीं होता है काम। क्या करेंगे, नहीं रहेंगे ना तो धूप पट्टी वाला करके भाग जाएंगे। हो गया चाय पीने से, काम करते ना सही बात है। तो क्या चलो जाते हैं, मिलते हैं आप लोग आगे। हम लोग आज के पुराने घर का, हमारे घर की हालत इतनी खराब हो गई है ना, कुछ भी मत दिमाग लगा दे बता दो। तुम तो एकदम पागल जैसा सोचे थे कसम से। ये पाइप से नीचे उतरे गए। अच्छा उसको सपोर्ट लेके देखो गाइस, इधर माप ले रहे हो लोग, सपोर्ट से नीचे उतरे गए और एसी देखो उधर खड़ा, उधर एसी बना हुआ है। हां ठीक है समझ गया, वो एसी उन्होंने खुद ने कर दिया। ठीक है। और ये वाईफाई वाले क्या बोले? वाईफाई वाले सामान ले गया था, वाईफाई वाले केबल निकाल के डायरेक्ट मेन स्विच में डाल दिया, अपना कंसीलर तो दिखेगा नहीं, अब वाईफाई का इधर रख देंगे। हाँ वाईफाई का इधर छुप जाएगा। सही बात है, सब बाजू पे नेटवर्क है, काम नहीं कर रहा है इधर, क्योंकि यहाँ की जो वायरिंग है वो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही है। अब वाईफाई वाले लोग का जो वो सुनना था, मैं आप लोगों को समझाऊंगी तो लोग खुद पागल हो जाओगे, इसलिए मैं उन लोगों को ही नहीं बता पाऊंगी ये सब चीज़ क्या है। तो आसिफ भाई खुद फोन किया, आसिफ भाई वाले मत करा, वो सब काम मैं भी कर सकता हूँ, सब आसिफ भाई आएंगे तो वो करेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग घर पर वापस से, और एसी का जो है वो कल आने वाले, तो उन लोग के पास सामान नहीं हो, यहाँ की दीवार इतनी मजबूत है ना कि खड्डे से नहीं हो सकती, वो पंप आता है कुछ तो वो करेंगे, तो उससे होगा हो तो कल आएंगे, कल आके वो करके जाएंगे। हम लोग निकल चुके हैं हमारे घर से और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने पुराने वाले, तो अभी जाते हैं देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है। और ये गाड़ी देखो, ये तो सुनने लो फॉलो करो, आईना नहीं है क्या ये देखने के लिए? नहीं है,
तो चलाने नहीं आ रही है, बाकी देखो रोड पे घूम रहा है। पकड़ पकड़ रुका, कहाँ जा रहे हो? भाई भी वो इधर रुक रुक, हम लोग उसका आगे रुका लिया हसनैन को ताकि वो घबराए ना। हम लोग को देखे हाईवे रोड पे चला रहा है वो, कौन सी कहाँ जा रहा है तू लेके उसको? खड़ा पुलिस का लाइसेंस नहीं, गाड़ी का ना आईना नहीं, पकड़ लेगा तो तुम भागेगा। ये कौन है पीछे? ये दोस्त है, आपको मालूम है दोस्त है, तो चाबी आगे दे दिए। तो मालूम कैसे पड़ेगा कि तू ऐसा कर रहा है? चलो ठीक है, बाद में देखते, घर पे बात करते। चल गाइस, हम लोग आ चुके हैं ऊपर, अब हम लोग जा रहे हैं तहसीन दीदी लोग को बताने के लिए। तो दानिश बोला ये वीडियो जो है वो प्रूफ के तौर पे रखो, ताकि कल को लड़की को भी मालूम पड़ेगा, लड़की को भी घर में कुछ पता चलेगा तो अपन ये बता सकते कि हम लोगों ने प्रॉपर ब्लॉग बनाए थे, तो उसको भी मार पड़ी, मतलब जो भी अभी घर में होगा एनीथिंग वो सब मालूम पड़ जाए। दिमाग खराब हो गया यो, तुमने भी ये सब चीजें उम्र की हो, उसकी भी उम्र है करने की यार। मेरे को तो अच्छा लगा कि वो चल लड़की के साथ कुछ है, मतलब मूव ऑन हो रहा है वो अपनी लाइफ में। लड़की मूव ऑन हो, क्या बच्चा है वो? बच्चा तुम ये उम्र है मेरे साथ है, बच्चा क्या? मैं 14 साल का था, वो 14 साल का, 14 का नहीं, 16 का, 15 का। हाँ ठीक है, चलो दरवाजा खुल रहा था। हाँ ये माँ झाड़ू मार रही है, बेटा भाई आ गए घर के अंदर, यहाँ पर सब काम कर रहे हैं अपना। बताओ चलो, ये माँ झाड़ू मार रही है, बेटा बाइक पे घूम रहा है। हाँ कहाँ गया हसनैन? वो ट्यूशन बोला, मैं ट्यूशन जाके आता हूँ, फिर बाद में बोले बुक्स लेने की है कुछ, उसको न्यू बुक चाहिए ना, तो बोले मैं आता हूँ, तो बाइक वो है ना दानिश ने जो वो बाइक लेके गया, बोले मैं लेके जाऊँ ट्यूशन में दिखाने, लेके जा पापा ट्यूशन में दिखाएंगे, बोले कोई दूसरे को दिखा रहा है बिठा के, गाड़ी दिखा रहा है दोस्तों का, लड़कियां घूम रहा है वो, कोई मिला नहीं क्या तेरे को सुबह से? सही बोल रही, इसके लिए मैंने वीडियो निकाल के, मेरे को मालूम था तुम लोग प्रूफ, तुम लोग दानिश बोल रहा है कि वो लड़की प्रूफ रह गया ना, ये बताओ अभी तो गुंगा बन गया यार। वीडियो नहीं दो, वीडियो ये बता तो इन्हें को, अल्लाह इसे नहीं, बाइक पे जा रहा है, देख बाइक पे जा रहा है, पूरी वीडियो देखो पकड़ो, बोलो नहीं बाइक पे जा रहा है ये रोवल रस्ते से। दिखाओ भी, फ्री हो गए अभी, सोच समझ के देखना सब, कभी के लिए अभी अभी जल चुप्पा चढ़े हम लोग वहाँ से, घर अपना पुराना घर नहीं, नया घर है ना, वहाँ से हम लोग आ रहे थे, वही रास्ता पड़ता ना, तो वहाँ से ही आ रहे थे, देखे तो ये दिखा हम लोग को बाइक पे, तो हम लोग पहले पीछे पीछे पहले पीछे पीछे हम लोग निकले उसको देखने के लिए किसके साथ घूम रहा है, पहले तो मेरे को एकदम वो आ गया, हसनैन है कि कोई और है? तो दानिश पता नहीं, हसनैन ही गारंटी है। तुम लोग दुकान ना, ये तो वीडियो उन्होंने ऐसी ऐसा प्रूफ लिए, बोले बोले मामा वाले घर पे बोलना नहीं, घर पे बोलना नहीं, वीडियोस के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि अभी लड़के वाले लोग आएगा, कुछ होएगा, मसले हो गया, लफड़े झगड़े होगा, इसलिए वीडियो अपने पास सेफ रहेगी। तुम इधर इसके रिश्ते ढूंढ रहे हो, खुद का रिश्ता पकड़ के क्या रहा है? तुम लोग पूछे की कौन है? बोले प्यार करता हूँ, प्यार करता बोले से को भी ऐसी हंसी आई उधर भी, बोलते बोलते अच्छा मूव। हाँ मैं बोली अच्छी बात है, बच्चा बड़ा हो रहा है, मैं बोली ये भी तो इतनी उम्र में करते थे, तुम भी दसवीं में कुछ कम बोल नहीं घुमा। हाँ तो वो एक ही हुई ना हम लोग की, हाँ जो हंसने की उम्र में इनसे मिली थी, तो मैं बोली अच्छी बात है, 15 का है ना, 14 का भी रनिंग हुआ उसका, 14 बट हाइट माशाल्लाह उसके, बोले घर पे बात करेंगे, घर पे बाइक पे घूम रहा है उसको लेके, तो क्या भी नहीं जाएगा उसे घर के नीचे छोड़ेगा, वो घर पे जाएगी उसे टाटा करेगी, फिर आएगा वो हस्ती क्या डरेगा, तो आएगा भी नहीं, डर के मारे मामा पकड़ ले, तो डर के मारे आएंगे भी नहीं, नहीं हम लोगों ने उसको प्यार, एक बच्चे ने हाथ मार दी, दो बच्चे तो छोड़ दी, अभी एक बच्चे को पास अच्छे से छोड़ दे,
पूछे तो माँ को तसल्ली होने तो बेटे ने सही में किया है कि नहीं। पूछते हैं लोग क्या है फोन जगाना नहीं है फोन नहीं है क्या पीछे जान मुझे प्रूफ बनाया। सभी हंसने रहता है तो मिलता है आप लोगों को हस्बैंड क्या बोलता है वो देखते हैं सच है कि झूठ है या कोई फ्रेंड है उसकी या कुछ है वो तो आगे ही मालूम पड़ने वाला है तब तो आता है तो उसके बाद मिलता है। घंटी चालू हो गई है हस्बैंड जाओ जरा खोलो तो नहीं तू जा बात कर तू मारी से काम कर रहा है क्या बोला था कि ट्यूशन से मेरे को एक बुक लेने की है जा बात तुम्हें पूछो क्या किधर चले बोल क्या बोलू बाइक खड़े रह के दिखाना अलग होता है हंसते पीछे बिठाना अलग होता है ना ऐसा नहीं समझे ना ऐसा भरोसा आई है की मेरे बच्चे को थोड़ा सेटअप हो जाओ फिर बाकी ढूंढ रही हूँ शादी हो जाए शादी फ्यूचर का क्या होगा दसवीं भी नहीं तो हाथ पे तोड़ देते यहाँ पे तो बच्चे को बदमाश देते हैं करने के लायक का नहीं रहेगा फिर लड़की के नफरे में पड़ेगा तो पढ़ाई की उम्र है तो पढ़ाई करना चुपचाप पता नहीं क्या क्या कर रहे तेरे पीछे कितनी मेहनत लग रही है अभी हो गया ना एक बार गलती हो गया ना एक बार गलती ऐसी हुई कि नहीं है गलता है गलता मोबाइल तो रख कर क्या था ये मोबाइल भी यूज करेगा नहीं तू बाइक भी मत देना भाई कौन है कौन ट्यूशन की लड़की है क्या वो स्कूल की लड़की है स्कूल नहीं जाता था पहले यहाँ पे पहले हंसते क्या बेसर में अरे तो उसके साथ हर टाइम बात कर रहा था तो फिर अरे मैं बस ये बोल रहा हूँ कि लाइसेंस नहीं है तो कैसे लगेगा उसको चौपाटी मतलब लाइसेंस तो यहाँ पे घुमाएगा मतलब क्लासेस भी नहीं जा बैठे बाप से घुमा ऐसे निकल खड़ा हो जा हंसते बात की नहीं मत कर अरे माँ सॉरी नहीं निकल बचा ऐसा अरे सॉरी ना सॉरी ना दिमाग
मतलब क्या लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस जा तुम बोलो जाओ जाने जाने दे अरे पिलाएंगे 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 लो सुन लो कब से ये बोल रहा रुको तो सही रुको तो सही बच्चे मारो तो वीडियो कैसे दिखाया मामा मम्मी ने अरे तो वो प्रेंगे, पागल प्रेंगे। सुबह से कोई मिला नहीं तुझे मैं ही मिली तभी बोलना चाहिए था अच्छा ऐसा फास्ट ससुर आहिस्ता ऐसा विचार आहिस्ता लो पानी पानी हो गई उसको ऐसा लगा तुमने हंसने को जबरदस्ती मारे तो एकदम बिचारी उदास हो गई तो वो मेरे को बचाने आ रही है भाई ये चलो गाइस आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और अभी उसी बारे में बच्चों को मार मत खिलाना ये रिएक्शन था और किसके बोला था अभी से किसके बोलने पे नहीं इसके बोलने पे नहीं वीडियो पे देख के इसके तो उन्होंने चारों से वीडियो निकाले वीडियो देखी हाँ तो झूठ नहीं क्या बोलेगा था तो था भाई अभी तो था ना वो बोला मैं वो वाला था गाइस ये तो एक प्रैंक है तो ये वीडियो में आप लोगों को ब्लॉग के एंड में देखने को मिलेगा बिकॉज हस्बैंड को उन्होंने इन्वॉल्व कर चुके थे पहले से ही बट आप लोग को सस्पेंस रखे थे बिकॉज हम लोग नहीं चाहते थे कि आप लोग को भी सभी से मालूम पड़ जाए क्योंकि चस्का तो आप लोग को भी चाहिए रहता है ब्लॉग में तो इसके लिए तो हस्बैंड ने लेके आया तो उसकी फ्रेंड को भाई तेरी फ्रेंड बुरा तो नहीं मानेगी ना नहीं उसको समझा आप बुरा तो नहीं मानोगे ब्लॉग में आएंगी नहीं वो बाय द वे इसके लिए मैं लेना नहीं चाहती उनको तुम ब्लॉग में कुछ बात नहीं करना बात मैं करूँगा ना कुछ करना। सही है हर किसी का भी वो भी इसके जितनी है तो वो भी घर पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रह सकते हैं उसके इसके लिए तो अभी चलो ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं आई होप लोग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ये